कांग्रेस वामपंथी जिहादी गिरोहों की पूरी तैयारी थी कि लड़की के शव को कब्जे में किया जाए और फिर सड़कों पर उतरकर दंगे फसाद किए जाए। हाथरस केस पर गिद्ध मीडिया और कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत चल रहा है। आज कई ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें लिबरल मीडिया द्वारा मृतक बच्ची के परिवार वालों को झूठे बयान के लिए उकसाने की कोशिश की गई, सरकारी मुआवजे को ठुकराने के लिए कहा गया, तो ये सब ड्रामा दलित समुदाय को भड़काने के लिए ही हो रहा है। एक बात तो आप भी जानते ही होंगे कि जब से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार केंद्र की सत्ता से बाहर हुआ है, उसके बाद से हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदू पार्टी बनाया गया, उसके बाद भगवा आतंकवाद का आविष्कार किया गया, लेकिन इतने में भी इन समाज के भेड़ियों की दाल नहीं गली तो दलित समुदाय को भड़काने में लग गए। रावण जैसे कुकर्मिंतों का सहारा लेकर दलित समुदाय का हर मुद्दे पर इन लोगों ने यूज किया। 2014 से पहले आप कहीं पर भी देख लीजिए, कांग्रेस के मुंह से दलित शब्द एक बार भी नहीं आया। सीएए के मुद्दे पर यही रावण जो दलितों का मसीहा बना फिरता है, इसने मुस्लिमों के साथ मिलकर कई गाड़ियों में आग लगाई थी। अगर इस रावण को वाकई दलित समुदाय की इतनी फिक्र है तो उस समय वो कहां चला जाता है जब कोई आरोपी मुस्लिम समुदाय से होता है। बलात्कार तो बलरामपुर में भी हुआ है, वहां कोई मीडिया वाला या ये रावण क्यों नहीं जा रहा? वो इसलिए क्योंकि बलरामपुर घटना का आरोपी मुस्लिम समुदाय से आता है और उसके खिलाफ बात करेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। 24 घंटे में 16 बलात्कार हुए हैं राजस्थान में, लेकिन वहां नहीं जाएगी प्रियंका गांधी और नाटकबाज राहुल गांधी, क्योंकि वहां पर गहलोत साहब ने आरोपियों को क्लीन चिट पहले ही दे दी है। कांग्रेस और इनके गुर्गों को महिलाओं के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो केवल मोदी और योगी के खिलाफ षड्यंत्र रचना है। योगी सरकार की लोकप्रियता से कांग्रेसी इतना घबरा गए हैं कि जिहादी गुटों ने हाथरस मुद्दे में अपनी बौद्धिक मवाद को जीभ से उगलना शुरू कर दिया है। हाथरस मुद्दे में इन वामपंथी गिरोहों को भरपूर मसाला मिला है, वाल्मीकि लड़की और ऊंची जाति के अपराधी, योगी मुख्यमंत्री, यूपी की पुलिस जैसे सारे तत्वों को जोड़कर इन्होंने देश को भड़काने के लिए एक मनोहर कहानी का रचना की है। लड़की का रैप बताया गया, जीभ काटने की बात कही गई, जबकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है इस घटना में बहुत सारे संशय अभी क्लियर होने बाकी है। रात भर इंडिया टुडे की एक महिला रिपोर्टर ने अपनी पहचान छिपाकर यूपी पुलिस की हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखी और रात भर वामपंथी, कांग्रेसी, भीम आर्मी नेताओं को अपडेट किया। इन लोगों की प्लानिंग को यूपी पुलिस ने भांप लिया और रात में ही घर वालों की रजामंदी से लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस को भनक थी कि प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार रोक देगी और फिर ये लोग सड़क जाम करके पूरी दिल्ली में दंगे करवाएंगे। कांग्रेस वामपंथी जिहादी गिरोहों की पूरी तैयारी थी कि लड़की के शव को कब्जे में किया जाए और फिर सड़कों पर उतरकर दंगे फसाद किए जाए। हाथरस मामले में लड़की के अपराधी सलाखों के पीछे है। अब आपसी रंजिश का मसला था, सीएम आदित्यनाथ ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। तो आखिर लड़की की जाति, रैप की झूठी खबर, जीभ काटना जैसी भ्रामक खबरें फैलाकर दंगों की साजिश क्यों रची जा रही है? तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।